मॉर्निंग किड्स, आई एम हीना शर्मा फ्रॉम JOGS अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4, सब्जेक्ट EVS, क्लास 2। सो स्टार्ट करते हैं। ए क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पर। फर्स्ट, विच ऑफ दिस गेट फ्रॉम प्लांट्स। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो फूड है वो हम प्लांट से रिसीव करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वीट, एग, फिश। तो क्या रिसीव करते हैं? वीट। सो आंसर इज ए। अब ये आंसर आपको कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं जो आपने EVS की कॉपी बनाई हुई है। सेकंड क्वेश्चन इज प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूड्स। जो प्रोटेक्टिव फूड है वो किस में इंक्लूड होता है? प्रोटेक्टिव फूड फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर बोथ। ये बोथ मीन्स दोनों। तो फ्रूट भी होता है और वेजिटेबल्स भी होते हैं प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। तो आंसर क्या आएगा? बोथ, सी। थर्ड क्वेश्चन इज ब्रेकफास्ट इज द मील ऑफ द डे। जो ब्रेकफास्ट होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा होता है? फर्स्ट। फर्स्ट जो हम लोग नाश्ता करते हैं वो क्या है? ब्रेकफास्ट है। विच ऑफ दिस वी हैव एट नाइट। नाइट में हम लोग क्या करते हैं? डिनर करते हैं। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। सो आंसर इज डिनर। नेक्स्ट, बी क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल वर्ड्स फिल करने हैं। डैश हेल्प्स टू कीप आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ऐसा कौन सा फूड है जो हमारी बोन्स और हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है? सो कौन है? मिल्क एंड पनीर। आंसर इज मिल्क एंड पनीर। वी गेट फूड फ्रॉम, जो हमें फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स। सो आंसर इज प्लांट्स और एनिमल्स। वी गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमें एनर्जी देता है फूड। क्यों देता है? वर्क और प्ले करने के लिए। ये सारे आंसर आपको वर्कशीट के अंदर भी दिए हुए हैं, तो आप स्पेलिंग गलत मत करना। आप वर्कशीट में से चेक करके एक बार स्पेलिंग ज़रूर सही कर लेना। फोर्थ, वी ईट फूड टू बिल्ड आर बॉडी। हमारी बॉडी को बिल्ड करना कौन करता है? फूड करता है, इसीलिए हम फूड खाते हैं। फाइव डैश गिव अस एनर्जी। हमें एनर्जी कौन देता है? तो आंसर इज फूड। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी ईट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। हम लोग डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, यस। तो आंसर इज टी। We get most of our food from either plants or animals. So answer is T. हम लोगों को जो food है वो plants और animals से मिलते हैं। Question number 3 is We should eat well cooked food. हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। तो answer true. A non-vegetarian person like to eat meat. जो non-vegetarian person होगा उसे क्या पसंद होगा? मीट खाना? Yes. तो answer is T. We usually eat dinner at night. जो हम डिनर है वो नाइट में करते हैं। सो आंसर इज टी। अभी हम लोगों ने ए बी सी पार्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो आज आपको सिर्फ ए बी सी पार्ट ही आपकी कॉपी में करना है और लर्न करना है। सो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।